पार्वती जी भगवान श्री शिव जी के अर्धांगिनी हैं और भगवान श्री भोलेनाथ जी के अति प्रिय भी हैं। इसीलिए माता जी को हर प्रिया, हर गौरी और उमा महेश्वर कहा जाता है। माता पार्वती जी भगवान श्री शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या किए थे। शिव सेवा यानी भगवान श्री महादेव जी और माता पार्वती जी अभिन्न हैं और अभेद हैं। माता पार्वती जी भगवान श्री शिव जी के शक्ति हैं और प्रतिछाया भी हैं। देवी पार्वती जी प्रकृति स्वरूपा भी हैं। दुर्गा, शाकंभरी, शतक्षी, काली, विंध्यवासिनी, मीनाक्षी, कामाक्षी, अन्नपूर्णा, कन्याकुमारी और महागायत्री जैसे माँ पार्वती जी के अनेक रूप यानी अनेक अवतार हैं। दुर्गा और काली आदि अवतार माता पार्वती जी के सबसे उग्र रूप में से एक हैं। और देवी पार्वती जी के नव दुर्गा रूप यानी माँ दुर्गा जी के नौ रूप का नाम है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये सब माता पार्वती जी के नव दुर्गा के रूप हैं। और माता पार्वती जी के 10 महाविद्या रूप यानी देवी जी के 10 महाविद्या के नाम हैं महाकाली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्ता, मातंगी और कमला। ये सब देवी पार्वती जी के 10 महाविद्या के रूप हैं। ऐसे ही देवी पार्वती जी को कई रूप और कई नामों के साथ पूजा जाता है। माता पार्वती जी के कामाक्षी स्वरूप में उनके मस्तक में चंद्रमा को धारण किए हैं। माता पार्वती देवी के एक रूप है जिसको अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है और इसी रूप में आधे भगवान श्री शिव जी और आधे माता पार्वती जी हैं। माँ पार्वती जी राजा हिमावत जी के पुत्री होने के कारण उन्हें हिमावती कहा जाता है। देवी सती जी के 52 शक्तिपीठ हैं और इसी 52 शक्तिपीठ देवी पार्वती जी के शक्तिपीठ भी हैं। क्योंकि माता पार्वती जी देवी सती जी के अवतार हैं, इसीलिए सभी शक्तिपीठ देवी पार्वती जी के विस्तार हैं। भारत के राज्य तमिलनाडु के मदुराई में माता पार्वती जी और भगवान श्री शिव जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसको मीनाक्षी सुंदरेश्वरर मंदिर कहा जाता है। और इसी मंदिर में देवी पार्वती जी मीनाक्षी के रूप में और प्रभु श्री शिव जी सुंदरेश्वरर के रूप में पूजित होते हैं। भारत के राज्य ओडिशा के कटक में माँ पार्वती जी के और भी एक प्रसिद्ध मंदिर है और
इसी मंदिर को माँ कटक चंडी मंदिर कहा जाता है और इसी मंदिर में माँ चंडी जी को पूजा किया जाता है और माँ चंडी जी दुर्गा माँ के एक रूप हैं। माँ पार्वती जी के ऐसे ही अनेक प्रसिद्ध मंदिर अनेक जगहों में उपस्थित है। ग्राम देवी नामक कई स्थानीय देवी हैं, जिन्हें पूरे भारत में प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा जाता है। उन देवियों में से कई देवियां माता पार्वती जी के अवतार हैं। माता पार्वती जी सदैव सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। वो सभी मंदता, पापी, अधर्मियों को और सभी विनाशकारी ताकतों को समाप्त कर देते हैं। माता पार्वती देवी सभी प्राणियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वह सदैव सभी की रक्षा करते हैं। ॐ पार्वत्यै नमः। ये देवी पार्वती जी के महामंत्र हैं। माता पार्वती जी और भगवान श्री महादेव जी को कोटि कोटि प्रणाम।